राहुल मुझे डर लग रहा है। अरे बेबी डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं टेंशन क्यों ले रही है तू? तो पकड़ के रखो। पर बेबी हम चलेंगे कहाँ? बेबी शहर में चलेंगे। पर बेबी हम खाएंगे क्या? अरे बेबी खाने की टेंशन क्यों ले रही है तू? मैं हूँ ना, डेयरी का पेमेंट लाया हूँ 1,05,000 रुपए। 2-4 दिन तो इससे काम चलाएंगे, फिर अपना काम सेट करेंगे बढ़िया शहर में। चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर अभी कहाँ चलेंगे? अब सबसे पहले चलेंगे अपन कोर्ट में, वहाँ चल के शादी करेंगे और तेरे घर वालों को पाबंद कराएंगे भाई की सुगन। मेरे को क्या है, चोट से बहुत बुरी डर लगती है। चलो साहब, उठो, डाकू आ गए। साहब डाकू नहीं है, मैं हूँ साहब। साहब मेरी छोरी पता नहीं कहाँ चली गई 2 दिन से, कल स्कूल में आई थी, उसके बाद में पता नहीं चला कहाँ है। अरे कहीं रील वील बनाने के लिए चली गई होगी। तेरा छोरा नहीं मिल रहा? हाँ। इसकी छोरी नहीं मिल रही? अरे तुमने रिश्तेदारी में पता कर लिया क्या? हाँ साहब, सब जगह फोन कर लिया, कहीं पे भी नहीं गई वो। अच्छा पता कर लिया? हाँ। मैंने स्कूल में भी ढूंढ गया यार। अच्छा स्कूल के बच्चों से पूछ लिया क्या? सबसे पूछ लिया साहब। कहीं कोई शादी पार्टी हो, रिश्तेदारी में हो, कोई यार दोस्त फ्रेंडशिप में गई हो है? नहीं सर। अच्छा साहब, आप तो रिपोर्ट दर्ज करो जल्दी से। ठीक, आपकी बच्ची का क्या नाम है? अर्चना। क्या नाम है? अर्चना साहब। अर्चना, और तेरे छोरे का क्या नाम है? राहुल। राहुल, कितने साल की तेरी बच्ची? साहब 18 साल की। 18 की, और तेरा? 22 साल का। 21 अर्चना राहुल, ये लो जी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। क्या हुआ साहब? तेरा छोरा और इसकी छोरी, इसकी छोरी और तेरा छोरा, दोनों ने भाग के शादी कर ली। ये देखो मेरे पास आए थे, थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करा के गए हैं। मैं अर्चना विजयवर्गीय, उम्र 18 वर्ष। हाँ। मैं राहुल चौधरी, उम्र 22 वर्ष। हमारी मर्जी से भाग कर शादी कर रहे हैं, हर कृपया रुपया हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करें, हम जहाँ भी हैं खुश हैं। क्या बोल रहे हो आप? ब्याह कर लिया मेरे छोरे ने? हाँ, तेरे छोरे ने इसकी छोरी से ब्याह कर लिया। देखो दोनों ने बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाए, दोनों बालिक है जी। कोई बात नहीं साहब, हमें तो पैसों में लानी पड़ती, बढ़िया काम है। ठीक है साहब, आप उसको ढूंढो, मैं डीजे की तैयारी करती हूँ। तेरी माध्यम वाला क्या डीजे की तैयारी करेगी है? अरे यहाँ पे तो खाना आराम हो रहा है, तू डीजे बजाएगी? अच्छी बेई जी, अब क्या खाना आराम? डेई जी नहीं, डेई जी नहीं बोली की डोगरी, अभी बोल रहा हूँ। इज्जत से पैसा मेरे सामने, और तेरे छोरे को फोन करके बुला। अच्छी बेई जी, इज्जत से तो बोल रही हूँ मैं, अब छोरा छोरी क्या पड़ती है? डोगरी मेरे को बेई जी पसंद नहीं है, मैं मेरी छोरी को दूंगा सरकारी नौकरी वाले के। अरे तुम्हारे क्या हुआ सर? बैठ, सारे थाना है ये। थाना क्या है? थाना, थाना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कर रहे हो साहब जी। दोनों को अंदर डाल दूंगा, दोनों को अंदर भाई शोकन। मेरे को इंस्पेक्टर टोटाराम कहते हैं। कौन सा राम? तोतलाराम। अरे तोतलाराम नहीं, इंस्पेक्टर टोटाराम। हाँ अब बोलो साहब। साहब मेरी छोरी को वापस बुला दो साहब। अरे तेरी छोरी ने ब्याह कर लिया और वो पाबंद कर गई तेरे को, अब तू कुछ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता साहब, बाप उसका? अरे तो बाप है तो कानून से बड़ा नहीं है बाप भी? तो साहब ये कौन सा कानून आ गया साहब? आप तो छोरी को मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ। हाँ। गाजे बाजे से लेके किसी दिन कैसे दिन की बहू होगी तेरी, ये बता। अजी बेजी अब की नहीं, ताजाई हुई है। डोगरी ज्यादा मुंह मतलब मेरे। अजी बेजी मुंह नहीं नहीं, तू जा बैठी ना, वही बैठ जा। साहब मेरी छोरी को बुलाओ अभी। मेरी बात सुन ले तू, तेरी छोरी ने करा दिया तेरे को पाबंद। क्या करा दिया? पाबंद। पाबंद, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता भाई किशोर, ऐसा कानून में लिखा हुआ है ऐसे। समझ गए? अब आप तो सीधे घर पे जाओ, खाना खाओ और आराम से सो। और मेरी बात सुनो, ये देखो दोनों के दोनों, लो मुंह मीठा करो। हाँ तू भी मुंह मीठा कर, और ले भाई। नहीं साहब, आप तो तेरी माध्यम वाला डोगरी ज्यादा मुंह ना मतलब, अभी बोल रहा हूँ साहब। हाँ नुक्ता तो कर सकता हूँ ना उसका? नुक्ता? अरे तो वो तो जिंदा है यार अभी। साहब मेरे लिए तो मर गई, तो अब तो कर सकता हूँ ना मैं। गणपति डीजे लिया घर पर, जसन होगा हवेली पर। शहर में बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम ये है तुम्हारा बड़ा काम? अरे तो बेबी काम कोई छोटा नहीं होता, करम ही पूजा है। तो ये कोई काम है क्या? मतलब मेरी जिंदगी में मेरे करम पूर गए थे जो मैं तेरे से शादी कर ली यहाँ पर आकर। चल आगे लेमड़ो।
अब छोड़ के तो मैं भी 25 बीघा जमीन आया हूँ। तो 25 बीघा सोचो, मैं इतनी सुंदर कंवारी छोरी तुम्हारे लिए आई हूँ अपने पापा को छोड़कर, ये चुगने के लिए यहाँ पर। चुगना ही पड़ेगा तो, और तो क्या करे, और तो कागज ही रहा हूँ कि तेरे पास। अरे बोतल उठाओ, बोतल महंगी जाती है। चल लेमड़े आगे बीच रोड में मत जाओ।